जिस तरीके से एलजी साहब बचकानी चीजें कर रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कोई मुझे क्रेडिट दे दे, ऐसा एलजी के पद को शोभा नहीं देता। ये पिछले 15 सालों से दिल्ली की साफ सफाई का काम एमसीडी के पास था। एलजी साहब दिल्ली के नहीं है इसलिए उनको नहीं मालूम, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास था। एनडीएमसी और दिल्ली कैंट भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास है पिछले 9 सालों से। G20 जैसे बड़े उत्सव में जिसमें दिल्ली सरकार के सभी विभागों ने, एमसीडी ने, इनके अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत की, उनके काम के क्रेडिट को चुराने की कोशिश एलजी साहब कर रहे हैं, ये बहुत छोटी हरकत है। एलजी जैसे बड़े पद पे उनको इस चीजों से बचना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि सबको मिल के साथ काम करना चाहिए, सबको मिल के दिल्ली के शौर्य को आगे बढ़ाना चाहिए, हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से एलजी साहब बचकानी चीजें कर रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कोई मुझे क्रेडिट दे दे, ऐसा एलजी के पद को शोभा नहीं देता। ये तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाएं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसके ऊपर आरोप लगाए थे। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार काफी घबराई हुई है, किसी तरीके से चुनाव जीतने की जुगत में है। और जब से इंडिया अलायंस बना है, नए नए तरीके सोच रहे हैं कि किसी तरीके से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। गुलाम नबी आजाद को शामिल करने पर वो तो उन्हीं के साथ हैं। गुलाम नबी आजाद तो मोदी जी के साथ ही हैं, वो तो उन्हीं के लोग हैं। देखिए, एक तरफ तो ऐसे राज्य हैं जहां पे कठुआ में 8 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकालती है। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करने के बाद लड़की के बाप को ही मरवा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके लिए यात्रा निकालती है। देश के लिए मेडल जीतने वाली लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है और मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है और 80 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरीके के कुकर्म करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है कि वे इस विषय में बोले भी। देखिए, जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अदानी साहब दुनिया के नंबर 2 के अमीर व्यक्ति थे और आज दुनिया के 20 सबसे अमीर व्यक्तियों में भी नहीं है। जिस तरीके से उनके शेयर गिरे हैं, जिस तरीके से ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं कि भारत देश के पैसे को हवाला के जरिए बाहर भेजा गया और फिर निवेशकों को और पूरे देश को बेवकूफ बनाने के लिए अदानी के शेयरों को उछाला गया, ये तो पूरी देश की साख के ऊपर बट्टा लगाने वाला काम है, पूरी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर सवालिया निशान लगाने वाला काम है। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार इस पे चुप बैठी है, केंद्रीय एजेंसियां इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के लिए बड़े सवाल हैं।